विनायक कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है चंबल नदी है, चंबल नदी के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ चंबल नदी, उसका प्रवाह क्षेत्र, उसकी सहायक नदियाँ, उसके निर्मित बांध और उसकी मेन जो सहायक नदी है बनास नदी, उसके बारे में आपको विस्तार से देखेंगे। चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम स्थल धनापार की पहाड़ियां, एमपी, यहां से निकलती है 84 कट चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में एंटर करती है और चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली में अपना प्रवाह क्षेत्र बनाती है। और आगे ये यमुना में जाके मिल जाती है इटावा, मुरादगंज, यूपी। और यमुना नदी आगे गंगा नदी में जाके मिलती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो इस प्रकार ये बंगाल की खाड़ी की अपवाद अंत की नदी है चंबल नदी, जो बहुत ही अपना विस्तृत क्षेत्र बनाती है। और ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का मान सीमा प्रंश है। और वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा विंध्य प्रकार क्षेत्र। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसका जो जिला है वो यहाँ लिख देता हूँ, चित्तौड़गढ़ प्रवाह क्षेत्र का जो जिला है वो लिख देता हूँ, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। प्रवाह क्षेत्र, फिर इसे बांध आते हैं। सबसे पहला बांध गांधी सागर बांध, ये मंदसौर एमपी में है। उसके बाद जो राजस्थान का पहला है वो है बांध राणा प्रताप सागर बांध, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, रावतभाटा चित्तौड़। यहीं पे आगे एक और आता है जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। फिर उसके बाद कोटा में जवाहर सागर बांध, ये बोरावास कोटा में पड़ता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कोटा बेराज, ये पड़ता है कोटा में। तो ये चार बांध हैं चंबल नदी में बने हुए हैं, गांधी सागर एमपी, फिर राणा प्रताप सागर रावतभाटा को चित्तौड़गढ़, और फिर जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा, और कोटा बिराज कोटा। तो ये इसमें जो बांध हैं वो बने हुए हैं। फिर आते हैं इसकी सहायक नदियों पे। एमपी से बारा, झालावाड़ और कोटा में अपनी सीमा बनाती हुई एक नदी आती है काली सिंध नदी, और काली सिंध की तीन सहायक नदियां हैं आहू, पर्वत और एक चंद्रभागा। तो बारह में जो है वो है पर्वत नदी, और इसी के किनारे यहाँ पे एक जो किला बना हुआ है वो है शेरगढ़ का किला, जिसे कोसवर्धनगढ़ के भी नाम से जाना जाता है।
इधर से एक और नदी आती है झालावाड़ से, ये आऊ नदी, और इसके यहाँ पे संगम पे पास में किला बना हुआ है राघवन का किला, राघवन का किला। और आगे एक और नदी है चंद्रभागा नदी, ये है अपनी चंद्रभागा। इस नदी के तट पे यहाँ पे मेला होता है चंद्रभागा पशु मेला। फिर आती है इधर से एक और नदी बांगी नदी, बामनी नदी चंबल की सहायक नदी है। यहाँ पे बामनी नदी और चंबल नदी के संगम के यहाँ पे किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, बेस रोड कर दुर्ग, बेस रोड कर दुर्ग, बामनी नदी और चंबल नदी है। फिर एक और नदी आती है पुरा नदी, और फिर आगे एक और नदी आती है चाकण नदी, जो बुद्धि में अपन देखते हैं तो इसकी सहायक नदी है। फिर एक मेन जो नदी आती है अपनी खमनौर की पहाड़िया से बहती हुई, खमनौर की पहाड़िया से बहती हुई राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा सापुरा केकड़ी और टोंक और सवाईमाधोपुर प्रवास क्षेत्र बनाती हुई, सवाईमाधोपुर में रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट। यहाँ पे आके त्रिवेणी संगम बनाती है। दो नदियां ये एक नदी और आती है सीप नदी, सीप नदी, और यहाँ से आई है अपनी बनास नदी और चंबल नदी। तो ये जो संगम बनता है BSC बनास, बनास सीप और चंबल, बनास सीप और चंबल, बनास सीप और चंबल, तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है। इसका प्रवास क्षेत्र राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा सापुरा केकड़ी टोंक और सवाईमाधोपुर, ये इसका प्रवास क्षेत्र है। इसका एक नाम भी है इसे वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। इस पे तीन त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। पहला त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा BBM बनास बेड़च और मैनाली में, बनास बेड़च और मैनाली में, बनास बेड़च और मैनाली में, मैनाली नदी की एक और सहायक नदी है और बेड़च नदी है। फिर आगे जाके एक और त्रिवेणी संगम आता है BKD बनास खारी और डाई, बनास खारी और डाई, ये राजधानी टोंक में अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। और इस प्रकार बनास नदी में तीन त्रिवेणी संगम हो गए। कौन कौन से? बनास बेड़च BBM, बनास बेड़च मैनाली, और BKD बनास खारी और डाई, और राजगढ़ टोंक, और तीसरा त्रिवेणी संगम सवाईमाधोपुर रामेश्वर, सवाईमाधोपुर रामेश्वर घाट BSC बनास सीपोर चंबल। तो चंबल की सहायक नदी मेनली है अपनी बनास, बनास से अपने को तीनों त्रिवेणी संगम याद रखने। बाकी ये जो नदियां हैं कहाँ से आ रही है वो भी अपन देख सकते हैं। बेड़च नदी जो उदय सागर झील में गिरने से पहले आय नदी के नाम से जानी जाती है,
ये आपके गोकुंडा की पहाड़ियाँ से और आगे रखे ये बिगोर भिलवाड़ा में बनास तक मिल जाती है। उसके बाद जो अपनी दूसरी नदी है यहाँ पे खारी नदी, खारी नदी जो आती है वो इजराइल की पहाड़ियाँ, इजराइल की पहाड़ियाँ से आती है। उसके बाद डाई नदी, डाई नदी अपनी यूएन की डाई नदी अपनी किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजरे से आती है और त्रिवेणी संगम बनाती है राजधर टॉप। फिर तीसरा त्रिवेणी संगम स्वर्णवाजेपुर रामेश्वर घाट सीप बनास और चंबल। तो इस प्रकार ये अपनी बनास नदी कम्प्लीट होगी, वन के ऐसा के नाम से जाना जाता है। और चंबल नदी पर ये बांध है और इसकी सहायक नदियाँ हैं काली सिंह पर्वत आऊ और एक काली सिंह नदी भी है जिसकी काली सिंह अलग है और काली सिंह अलग है। तो अभी हम काली सिंह में देख रहे हैं, काली सिंह की सहायक नदी है पर्वत और आऊ। इधर से बामी नदी देखनी है अपने को, फिर पुरा नदी देखनी है और चावी नदी देखनी है और मेन जो नदी है अपनी वो है बनास नदी। तो इस प्रकार की बनास नदी अपना क्या बनास नदी और चंबल नदी अपना टॉपिक कम्प्लीट हुआ है। और ये नदी फिर आगे जाके यमुना नदी में मिल गई और यमुना नदी गंगा नदी में जाके मिल गई। तो ये बनास नदी का प्रवास सफर है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे इसी प्रकार वीडियो सारे डालेंगे और एक एक करके धीरे धीरे करके डाल दीजिए। धन्यवाद।